नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं MA फाइनल ईयर का सिलेबस। जी हाँ, इससे पहले मैंने दो सब्जेक्ट का सिलेबस पढ़ाया हुआ है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक के द्वारा देख सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है सिलेबस का, MA फाइनल ईयर फर्स्ट और सेकेंड पेपर का सिलेबस मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में। और आज हम लोग दो पेपर जो बचते हैं, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों पेपर के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल का हमारा सिलेबस क्या है ये भी देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग रोजाना क्लास भी देखेंगे, ठीक, इसी सिलेबस के अनुसार। और अब बच्चों रोजाना क्लास चलेगी, क्योंकि आप सबका, जैसा कि आप सबको पता होगा कि रिसर्च एंड मेथडोलॉजी ये सब बहुत हार्ड भी है बच्चों, बहुत कठिन टॉपिक है। क्योंकि इस वर्ष जो बच्चे पेपर दिए थे उन सबका कहना था मैम बहुत हार्ड पेपर आया था, तो आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करें अभी से, जिससे आप सब पेपर में बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक भी ज़रूर किया करें, और कमेंट भी अवश्य किया करें। अगर कुछ पूछना होता है वैसे भी आप सब कमेंट कर सकते हो, आपकी मैम का मोटिवेशन भी बढ़ता है आप सबके कमेंट के द्वारा। तो पेपर थर्ड है आप सबका बच्चों, पेपर थर्ड है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक एंड प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या है, जो प्रसार शिक्षा है और तकनीक है और कार्यक्रम है, इसका हिंदी में प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम होगा, ठीक। और इसमें आप सबको पढ़ना क्या है, नीड इम्पोर्टेंस स्कोप फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो नीड आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंस होता है, स्कोप हमारे फिलॉसफी में, और जो उद्देश्य होता है, जो सिद्धांत होता है, इसके बारे में पढ़ना है एक्सटेंशन एजुकेशन का, ठीक। और इसको इन एक्सटेंशन एजुकेशन, जो एक्सटेंशन टीचिंग है, प्रसार की जो शिक्षा है, इसके बारे में भी बताना है कि वो आपके होम साइंस में प्रसार शिक्षा का क्या महत्व है और किस प्रकार से कार्यकर्ता की इसमें भूमिका होती है, ये सब भी पढ़ना है इसमें। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड भी पढ़ना है कि जो प्रसार शिक्षा है उसको किस प्रकार से, किस मेथड से आप अच्छे से, अच्छे तरीके से ग्रामीण जनता को समझा सकेंगे, ठीक। मेथड अप्रोचिंग पीपल एंड क्लासिफिकेशन इसके गुड, और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू टर्म यूज स्कोप एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट एक्सटेंशन मेथड। जो कई प्रकार प्रसार शिक्षा है, इसके लाभ है, स्कोप है, यूज क्या है, किस प्रकार से आप गांव में जाएंगे पढ़ाएंगे, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, गुड क्या है, लिमिटेशन क्या है, और जो अनेकों प्रकार के जो एक्सटेंशन मेथड हैं इनके बारे में आप जानेंगे, अर्थात प्रसार शिक्षा के जो मेथड हैं इनके बारे में आप जानेंगे, ठीक। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है ऑडिबल विजुअल एड्स, अर्थात जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑडिबल विजुअल का, एंड साइड इफेक्ट साइड भी पढ़ना है, डिफरेंट ऑडिबल विजुअल साइड, इन दोनों में अंतर क्या है, और पढ़ना है दियर स्कोप एडवांटेज एंड लिमिटेशन, इसका क्या स्कोप है, एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है और लिमिटेशन क्या है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग और प्लानिंग। जो प्रसार के लिए प्रोग्राम बनाते हैं आप, प्लानिंग बनाते हैं, वो क्या है, इसके बारे में किस प्रकार से आप अगर कहीं प्रसार करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से अपने प्रसार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बनाएंगे पहले उसका, और ठीक फिर उस प्लानिंग के दौरान आप वहाँ पर जाएंगे, कार्यक्रम को करेंगे अर्थात प्रोग्रामिंग करेंगे। और होम साइंस में एक्सटेंशन एजुकेशन का क्या महत्व है ये भी पढ़ना है। होम साइंस फॉर नेशनल डेवलपमेंट, जो नेशनल राष्ट्रीय डेवलपमेंट है, विकास है होम साइंस का, उसमें नीड फॉर होम साइंस एक्सटेंशन ऑर्गेन, जो एक्सटेंशन ऑर्गेन है इसका क्या रोल है, मुख्य रोल है डेवलपमेंट होम साइंस में, और जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, और एक्सटेंशन वर्कर्स, जो एक्सटेंशन जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, दियर रोल, इनके क्या रोल हैं आपके होम साइंस में, ये भी पढ़ना है, ठीक। उसके बाद आपका
फोर्थ पेपर आ जाता है रिसर्च मेथडोलॉजी। एक से बात कहूँगी बच्चों की, इसमें जैसे ए बी है तो हो सकता है कुछ बच्चों, कुछ यूनिवर्सिटी में ए वाला सब्जेक्ट पढ़ा जाता होगा, जैसे कि इसमें है स्टैटिस्टिक्स का है, जैसे सांख्यिकी का है, तो इसमें और जहाँ पर जैसे पढ़ाया जा रहा होगा, अगर आपका सिलेबस इससे मिल रहा है तो ज़रूर इसकी क्लास आप सब अटेंड करते रहें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है इस बार। इस बार सारे क्लास बहुत अच्छे से चलेगी और आप सब अच्छे से तैयारी करेंगे, और अभी आप सबके पास बहुत समय है, इसलिए ज़रूर पूरा वीडियो रोज़ाना देखें। ठीक, तो साइंस एंड साइंटिफिक मेथड क्या है और रिसर्च क्या है और डिफिनीशन एंड स्कोप इन होम साइंस, जो होम साइंस है उसमें परिभाषा बताइए रिसर्च की, टाइप ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च है वो कितने प्रकार के होता है, हिस्टोरिकल सर्वे होता है अर्थात ऐतिहासिक सर्वे जो किया जाता है वो भी होता है रिसर्च, जो ऐतिहासिक खोज होती नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी किसी टॉपिक पर, एंड केस स्टडी, जैसे पुलिस लोग हैं किसी केस के ऊपर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, किस तरह से वकील लोग हैं। ठीक, और डिफिनीशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम थ्योरी और हाइपोथेसिस बेसिक, ये सब भी पढ़ना है आपको। ठीक, और सिक्स है डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद है क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्केलिंग मेथड, रियलिटीज एंड वैलिडिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद सेवन आता है सैम्पलिंग, सैम्पलिंग टाइप ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पल और सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, ये पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आता है एट है प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। उसके बाद है जनरल गाइडलाइंस, जो सामान्य जनता है उसकी क्या गाइडलाइंस है फॉर प्रेजेंटिंग डाटा, उस समय का क्या डाटा है एकत्र किया गया है, और टेबल्स क्या हैं और ग्राफ क्या है एंड इलुस्ट्रेशन क्या है, ये सब भी आपको याद रहना चाहिए। और आपका नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल। जी हाँ, प्रैक्टिकल में देख लें, क्योंकि आपको अगर पता रहेगा, आप कॉलेज में बोलेंगे तो आप जितने भी बच्चे हमसे रोज़ाना क्लास अटेंड कर रहे हैं इस चैनल पर, वो सारे सुपर बच्चे हैं, क्योंकि अभी तो कॉलेज में कोई भी सिलेबस, कोई भी कॉलेज हो उसमें सिलेबस नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि अभी तक तो पेपर हो रहा था बच्चों का। ठीक, तो प्रैक्टिकल में आपको ड्रेस डिजाइनिंग एंड क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन का है, और इसमें क्या करना होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क विल बी फॉलोइंग, अर्थात जो ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग होता है, जो ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, सिलाई की जाती है, उसमें आपको 70 नंबर मिलते हैं, जबकि सेशनल एंड वाइवा वाइस में 30 मार्क मिलते हैं। और डिजाइनिंग थ्रू फ्लैट पैटर्न मेथड, इसमें क्या होता है, ड्राफ्टिंग ऑफ पर्सनल और एडल्ट और बॉडीज ब्लॉक एंड स्लीव ब्लॉक, और बी है आपका ड्राफ्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज सिलेक्टिज एंड कलर यूजिंग द बॉडीज बुक एंड स्लीव बुक। ओके, उसके बाद आता है सेकंड क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ पैटर्न मेकिंग फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग गारमेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल एंड विद वेरिएशंस इन बॉडी ब्लॉक कलर एंड। उसके बाद आता है ए वन साड़ी ब्लाउज बनवाना है, वन नाइटी और डिजाइनिंग गाउन है, और उसके बाद है सैंपल्स, है सैंपल्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ लीथ एंड कलर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आखिरी सलवार कमीज एंड कम्बिनेशन, जो सलवार समीज है उसकी कम्बिनेशन क्या होती है, ये भी आपको प्रैक्टिकल में पढ़ना है। तो आई होप आप सब सिलेबस जान चुके हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।